अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आप सबका दोस्त शादाब एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान भाईजान के साथ। तो इनके साथ हाजिर होने का एक ही मकसद रहा अब तक जितना भी वीडियो आया, तो मैं यही मैसेज देना जरूरी समझता हूँ आप लोगों को कि भाईजान सुरजापुरी सिंगर है और भाईजान सुरजापुरी गाना बहुत अच्छे से गाते हैं और आप तक भी पहुँचाते हैं सोशल मीडिया के जरिए से। तो सुरजापुरी गाना बेसिक जो चीज है हमें जानना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे नागरिक होने के वजह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाईजान सुरजापुरी गाना को ज्यादा चूज किए और गाना गाने भी लगे, तो मैं इससे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि भाईजान सुरजापुरी गाना आप सेलेक्ट करें, आपको तो हिंदी भी गाना जरूर आता होगा आप, लेकिन हिंदी गाना को लेकर के अपने चैनल में नहीं आए, सुरजापुरी को लेकर के आए, तो क्या उद्देश्य है आपको आपके अंदर कि मैं सुरजापुरी को बढ़ावा देना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सुरजापुरी जो है मेरा वो हिंदी से भी मिक्स है, बंगला से भी है, आपका मैथिली से भी है, कई भाषा से जो है ना वो मिक्स किया हुआ है जो एक भाषा बना है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो वैल्यू नहीं देते इस भाषा को, तो मैं ये जरूरी समझता हूँ भाईजान को पूछना कि आप तो हिंदी गाना भी गा सकते थे लेकिन हिंदी गाना नहीं गा करके सुरजापुरी गाना गाए क्यों? जैसे कि हम भी ये चाहते हैं कि सुरजापुरी में मेरा नाम हो। सुरजापुरी सिंगर भी कोई नहीं है, एक ही, अगर मान लीजिए कि एक ही कोई सिंगर होता, जैसे खेसारी लाल भोजपुरी में, जैसे भोजपुरी में खेसारी लाल, देखिए कोई बोलता है भोजपुरी गाना किसका सुन रहे भाई, हम खेसारी लाल का सुन रहे हैं। आइए सर बढ़िया बढ़िया, जैसे खेसारी लाल का गाना सुनते हैं तो सुरजापुरी में कोई कंटेंट नहीं था कि हम खाना का गाना सुन रहे हैं। सुरजापुरी में तो सुन रहे हैं जैसे कि बहू रानी, सास नौकरानी, इस तरह के कई कई सारे फिल्म आए, 7-8-10 फिल्म तो होंगे, तो उन फिल्म में सिंगर का नाम कहीं पर दर्ज नहीं है कि इन गानों को किसने गाया। तो मेरा मकसद है कि भाई सिंगर उस गाने को गाए और उसका भी नाम दर्शाए कि भाई सुरजापुरी में जो सिंगर गाया तो वो आखिर है कौन। बस मेरा मकसद है कि मतलब परिचय हो कि वो सिंगर है कौन, अपने नाम से जाना जाए, मेरा यही मकसद है। तो भाई जान का कहने का मतलब है सुरजापुरी जो है कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है जो लोग अच्छे तरह से जो बिहार के हैं वो तो बोलते ही है, लेकिन ये चीज गवर्नमेंट तक जो है ना भारत सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महत्व तो आप भोजपुरी भाषाओं को दे रखे हैं, मैथिली को दे रखे हैं, तो वैसा ही महत्व सुरजापुरी को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आपको ये पता नहीं है। अगर जब मैं बात करने लगता हूँ, जब आप एक वीडियो देखते हैं सुरजापुरी में, आपको कहीं ना कहीं समझ में आता होगा, और सुरजापुरी जो है कई भाषा को लेकर के वो एक भाषा बना है जिसका नाम है सुरजापुरी, तो सुरजापुरी को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि सुरजापुरी एक टॉप लेवल का भाषा बने? आप सहमत? हम सब सहमत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सुरजापुरी भी देखिए सुरजापुरी कैसा है, इमेज जरा बोलिए भाषा देखे बोलो, और अम्मी चाची की हम और भाषा ढक बढ़ावा मिले, बाकी कुछ नहीं, बस यह खान हम चढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है यह खान करे दे जी। गुलाम मुस्तफा जी मतलब खुदी तो सुने तो सुरजापुरी का भाषा तो बहुत बेहतर हो गया, खुदी कोटा गाना कह दी, कोटा भी गाना जो हमारे गांव, हां खुदी गाना रखो, कोई दिक्कत नहीं, आवाज से हिंदी पिक्चर है मन, मतलब यह मन का आमिर खान का मन पिक्चर है जिसमें से ये गाना है, चाह है तुझको चाहूंगा हरदम, बिल्कुल हां इसमें मेरा सुरजापुरी में है। सॉरी देना छिल धोखा चा कर आए लो मोक प्यार, हाँ मोक छोरे मैडम बना लो नया यार, मोर प्यार उत के कमी चिल दुबा चाची नो तोक दिल, फिर भी छोड़े दिलो जान, दिल मोर तोड़े दिलो जान, दिलो धोखा मोक मिलवा गेलो नया यारो, मोर प्यारो की कमी पालो चाह दूसरा यार बना लो, देना चिल धोखा चा कर आयो मोक प्यार, हा मोक छोरे मैडम बना लो नया यार जी। ये था मुस्तफा जी, ये था बियर भाई, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना हो गया जी, ये इससे भी ज्यादा दर्द।